अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौमान और आप देख रहे हैं आयान इलेक्ट्रिक एजे। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये बेबी ग्राइंडर का आर्मेचर है, ये हम बनाने का तरीका बताएंगे और फार्मूला कौन सा इसमें डालना है उसके मतलब बताएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे पहले आपने कहीं भी आर्मेचर के किसी भी स्लॉट पे आपने निशान लगा देना है। ये हमने जो सेट है ना इसके ये पीछे की तरफ बनाने हैं, ये हमने निशान लगा दिया। और इसके आपने सातवें स्लॉट पे 1 2 3 4 5 6 और ये सातवें स्लॉट पे आपने निशान लगा देना है। दोस्तों ये किसी भी ग्राइंडर पे आप निशान लगा सकते हैं। ये निशान लगाने का मकसद है कि हमने सेट शुरू कहाँ से करना है और उसका एंड कहाँ से करना है इसके मतलब मैंने निशान लगाए हैं और आपको पता चलेगा। ये दोस्तों आप देखें, ये हमने पेपर डालना है, ये हमने जहाँ पे निशान लगाया है यहाँ पे हमने वही सात वाले, क्योंकि सेट हमने पीछे की तरफ बनाने हैं। अगर हमने सेट आगे की तरफ बनाने होते तो हमने आगे की तरफ डालना था पेपर। ये हमने डाल दिया पेपर, इसके साथ ही हमने 1 2 3 4 5 6 ये छठे नंबर पे हमने डालना है जी पेपर। ये 1 से 6 हमारा सेट डालना है, 1 से 6। ये 12 स्लॉट हैं और 24 कम्यूटेटर है इसका। ये 12 स्लॉट है पिच के और कम्यूटेटर के जो कुंडे हैं वो हैं 24। ये हमने 1 से 6 की पिच में हमने सेट बनाना है। तो दोस्तों हमने इसमें एक सेट में हमने 15 टर्न डालनी है। तो अब मैं आपको डाल के दिखाऊंगा, शुरू करके दिखाऊंगा कि हमने कैसे शुरू करना है इसको। दोस्तों ये हमने 26 नंबर तार है, ये हमने इसको 120 ग्राम ली है, इसमें 60 ग्राम का एक हमने टुकड़ा बना लिया और 60 का एक बना लिया। ये दो तारों में हमने आर्मेचर को बनाना होता है। तो सबसे पहले आपने इसकी जो है ना इंसुलेशन वो उतार लेनी है अच्छे इस तरीके से। दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आर्मेचर आप कोई भी बनाते हो उसमें तार की जो इंसुलेशन है वो अच्छे तरीके से उतारनी है ताकि कोई भी कुंडा हमारा मिस हो जाएगा ना तो क्रॉस हो जाएगा हमारा। ये दोस्तों हमने तार की इंसुलेशन उतार ली। अब मैं शुरू करने का तरीका आपको बताऊँगा कि हमने शुरू कैसे करना है। दोस्तों ये देखें आप, ये अब मैं ये देखें, ये जहाँ से हमने शुरू करना है वहाँ से ही हमने ये सीधा हमने रखा है इसे तार को। इसके साथ वाला जो कुंडा है ये वाला आगे वाला, ये इधर से हमने स्टार्ट लेना है इसको। इधर से हमारा पहला कनेक्शन जो है हमने स्टार्ट करना है। ये हम इधर से ये पहला कुंडा हमारा, इधर से हमारा सेट स्टार्ट है। ये 15 टर्न हमने डालनी है ये। तो हर सेट की 15 टर्न है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी कोई तार जो है ना वो लूज़ ना रहे। ये हमारी 15 टर्न जो है ये मुकम्मल हो गई है। अब हम जो कनेक्शन करेंगे ना वो हमने इससे जो पीछे वाला कुंडा है ना हमारा ये वाला, ये पीछे वाला, इधर हमने कनेक्शन करना है पीछे की तरफ, क्योंकि सेट हमारे पीछे की तरफ बन रहे हैं तो हमारे कनेक्शन जो है वो भी हमारे पीछे की तरफ बनेंगे।
ये पीछे की तरफ पीछे वाले कुंडे पे हमने कनेक्शन करना है इसका। दोस्तों इसी सेट में ही हमने 15 टर्न और डालनी है, इसी सेट में 15 टर्न हमने और डालनी है। ये हमारी 15 टर्न मुकम्मल हो गई है। ये दोस्तों इससे पिछले कुंडे में हमने कनेक्शन कर देना। अब दोस्तों हमने दूसरा जो है दूसरी साइड का हमने सेट जो है वो शुरू करना है। दोस्तों अब हम ये दूसरी साइड के हमने पेपर डाले हैं, ये भी 1 से 6 की पिच में डाले हैं हमने। इसका भी कनेक्शन जो है ना आपने ये देख के, ये सीधा ऊपर, ये 7 वाला जो है आगे वाला कुंडा, ये इससे हमने इसका स्टार्ट लेना है इस सेट का। इसके भी सेट हमने दूसरी साइड के भी पीछे की तरफ बनाने हैं। इस साइड के भी हमने 15-15 टर्न डालनी है। इसके भी 15 टर्न मुकम्मल हो गई है। अब इसका कनेक्शन हम करेंगे पीछे वाले कुंडे पे, इसके साथ और जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था उससे पीछे वाले पे, उससे पीछे वाले पे हमने कनेक्शन करना है। ये इंसुलेशन जो है ये अच्छे तरीके से उतारनी है। 1 से 6 की पिच है इसकी। दोस्तों इसी सेट में हमने फिर 15 टर्न डालनी है, इसी सेट में फिर 15 टर्न हमने डालनी है। ये डबल डबल कॉइल का सेट है, इसके 12 स्लॉट हैं और 24 कम्यूटेटर हैं। ये हमारी 15 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। ये हम कनेक्शन करेंगे अब उससे पीछे वाले कुंडे पे हमने कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद अब हम आगे वाला पीछे वाला सेट जो है इससे वो स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों ये सेट डालने के बाद अब हम इससे जो पीछे वाला कुंडा है इसमें ये डालेंगे पेपर।
पेपर डालने के बाद हम इस सेट को स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हमने 15 टर्न डालनी है। इसकी भी पिच जो है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। दोस्तों तमाम सेट हमारे जो है ना ये 1 से 6 की पिच में बनने हैं। ये हमारी 15 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। पंद्रह टर्न के बाद अब हम अगले कुंडे से जो पीछे वाला कुंडा है ना इस पर कनेक्शन करेंगे हम। दोस्तों इसी तरह ही हमने पीछे की तरफ सारे सेट बनाने हैं। अब इसी सेट में हमने फिर दोबारा जो है ये 15 टर्न डालनी है। दोस्तों साथ साथ जो है ना सेटों को बिठाना भी ज़रूरी होता है ताकि हमारे तमाम सेट जो हैं ये मुकम्मल पूरे आ सके दोनों साइडों से, नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों साइडों से हमने सेट को बिठाना होता है। सेट बिठा लेंगे तो आसानी के साथ हमारा जो है ना ये तारें मुकम्मल पूरी आ सकेंगी, वरना आपको मुश्किल हो सकती है इसमें। ये इस सेट की भी हमारी 15 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। दोस्तों इस साइड का हमारा सेट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब इससे पीछे वाले कुंडे पे हम कनेक्शन करेंगे। इसी तरह ही दोस्तों हमने साथ साथ कनेक्शन करने हैं। सेट का जो आगे वाला हिस्सा है उसके बिल्कुल ऊपर ही कनेक्शन हमारे होने हैं, टोटल जितने भी सेट हैं इसके। ये हमारे अब ये सेट मुकम्मल हो गए हैं, दो सेट मुकम्मल हो गए। अब दूसरी साइड के हम सेट बनाएंगे, दूसरी साइड के हम क्लियर करेंगे। दोस्तों अब हम ये उससे अगला दूसरी साइड का जो है उससे अगले सेट का हम डालेंगे ये पेपर। पेपर डालने के बाद हम ये भी 1 से 6 पी, ये सारा फार्मूला हमारा 1 से 6 की पिच में है। हर सेट की 15-15 टर्न हमने डालनी है। तार जो है ना ये इसकी टाइट रखनी है, लूज़ तार के साथ आपने वाइंडिंग नहीं करनी इसकी। अगर लूज़ तार होगी तो आपका जो सेट है ना वो ठीक तरीके से पूरा नहीं आएगा। ये 15 टर्न हमारी मुकम्मल हो गई हैं। अब हम पिछले कुंडे पे कनेक्शन करेंगे इसका। दोस्तों कोई भी आर्मेचर आप बनाते हो ना तो उसका जो अगर सेट जो है वो आगे की तरफ है तो कनेक्शन भी आगे की तरफ होंगे, अगर सेट हमारा पीछे की तरफ है तो कनेक्शन हमारे पीछे की तरफ होंगे।
दोस्तों इसी तरह ही हमने दूसरा सेट भी इसमें डालना है 15 टर्न का। दोस्तों ये दूसरे सेट की भी 15 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। ये दूसरा कॉइल भी एक साइड का हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम इसका कनेक्शन पीछे वाले कुंडे पे करेंगे। दोस्तों 4 कॉइलें हमारी मुकम्मल हो गई हैं इसकी आर्मेचर की। अब इससे पीछे वाला हम सेट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये हम पेपर डाल रहे हैं इसमें। इसकी भी इसी तरह ही हमने 15 टर्न डालनी है। तार को जो है वो टाइट रखना है। ये हमारी 15 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। इसका हम पिछले कुंडे पे अब कनेक्शन करेंगे। इसका ये पिछले कुंडे पे हमारा कनेक्शन हो गया है। दोस्तों इंसुलेशन आपने उतनी उतारनी है जितना आपका कनेक्शन हो, उससे ज़्यादा नहीं उतारनी, ताकि कोई भी कम्यूटेटर का कुंडा जो है ना वो क्रॉस ना हो सके। क्रॉस होने की सूरत में ये आर्मेचर जो है ये जल जाएगा। दोस्तों अब हम इसकी दूसरी कॉइल डालेंगे इसमें। दोस्तों इसकी भी 15 टर्न मुकम्मल हो गई हैं। ये हमारी तीसरी कॉइल एक साइड की जो है वो बन गई है। इसका कनेक्शन अब हम इसके पीछे वाले कुंडे पे करेंगे। दोस्तों कनेक्शन इसके साथ साथ ही होने हैं। ये इसका कनेक्शन पीछे वाले कुंडे पे हो गया है। ये तीसरी कॉइल हमारी मुकम्मल इस साइड की हो गई है। अब दोस्तों हम दूसरी साइड जो है ना, दूसरी साइड इसकी शुरू करेंगे। एक सेट हमने एक साइड का डालना है और एक सेट हमने एक साइड का डालना है। दो कॉइलों का एक सेट है। मुकम्मल तरीके के साथ एक एक सेट हमने डालना है। दोस्तों अब हम दूसरी साइड का ये तीसरा सेट जो है शुरू करेंगे। इसका हमने पेपर डालना है। दोस्तों ये पेपर हमने डाल दिया दूसरी साइड का
और दूसरी साइड की कॉइल हम डालेंगे। अब इसकी भी 15 टर्न है मुकम्मल। तार को जो है वो टाइट रखना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ताकि आपकी कोई भी तार लूज ना रहे। ये 15 को टर्न हमारी तीसरी कॉइल की मुकम्मल हो गई हैं। अब हम इससे पीछे वाले कुंडे पे हम कनेक्शन करेंगे इसका। इसके बाद हमने दूसरी कॉइल शुरू करनी है इसकी, इसी सेट की। कनेक्शन दो हैं हमारे एक सेट के, और दो ही हमने एक सेट में दो सेट डालने हैं, दो कॉइलें डालनी हैं, और कनेक्शन भी हमारे दो होंगे, एक कनेक्शन नहीं होगा।